सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मोहन भागवत ने आखिर किस टाइप से आरक्षण को लेकर बयान दिया था और उसमें कुछ ऐतिहासिक बात भी कही थी। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें थी जो उन्होंने कही और उस बात को एक तरीके से स्वीकार किया कि हाँ, सामाजिक विषमता रही, हमने SST OBC को या उनको जो है जानवर की स्थिति तक धकेल दिया, तो ये सब बातें उन्होंने जो कही है, तो आज के वीडियो में हम इस बात पर विचार करेंगे या चर्चा करेंगे कि आखिर उनको ऐसा क्यों कहना पड़ा, क्योंकि आज तक तो ब्राह्मणों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। उनको चिंता थी कि वोट ना कट जाए, बहुजन समाज नाराज ना हो जाए, तो आज जो है उन्होंने ऐसा क्यों कहना पड़ा कि हाँ, विषमता थी और अगर आरक्षण अगर देना पड़े तो उसमें हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, या हम 200 साल हमें कष्ट झेलने में क्या दिक्कत है, 2000 साल से उन लोगों ने अगर कष्ट झेला है तो ये जो बात की, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो आरक्षण है, ये आरक्षण बहुत छोटी चीज है। लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आरक्षण बहुत छोटी चीज है। उसने जो आरक्षण के समर्थन में बात कही है, उसका कारण यह है कि उससे बड़ी बड़ी बातें इस देश में चल रही है, उससे बड़े बड़े मामले इस देश में बामसिप द्वारा खड़े किए गए हैं, किए जा रहे हैं। दूसरे लोगों को, अन्य संगठन चलाने वालों को ये बात कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती, ना उन्हें समझ में आती हो, तो सामने जो दिखता है वो हिसाब से अपना स्टेटमेंट देते, छोटा मोटा अपना पुलिस वालों के साथ भिड़ लिए, इधर गए उधर गए, हो गया। उससे जिससे वाकई में ब्राह्मणी व्यवस्था को खतरा है, वो आरक्षण से बड़े मुद्दे इस देश में चल रहे हैं, चाहे ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, और सबसे बड़ा मुद्दा कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। अब जब आप किसी की गर्दन पकड़ लेंगे तो बदले में अपने जेब में से निकाल के कुछ तो देगा ना, तो ये उस टाइप का हो रहा है। यानी बामसेफ की जो विचारधारा है, उस विचारधारा ने ब्राह्मणी विचारधारा की गर्दन पकड़ने का काम कर रही है, ब्राह्मणी विचारधारा को जो है नेस्त नाबूद करने का काम कर रही है। तो ब्राह्मण अपना बचाव करने के लिए वो उसने कहा कि आरक्षण देने में कोई हरकत नहीं है, संविधान में आरक्षण है तो वो देना चाहिए, इसलिए उसने कहा। कल को और मामला आगे बढ़ेगा तो और भी देगा, वो और भी देगा। आरक्षण छोटी चीज है और बहुत कुछ देने वाले है, बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन वो ये कहेंगे कि भाई साहब, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ आप मत होइए। अभी क्या हो रहा है, अभी जितने नेशनल लेवल के मुद्दे जिससे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर जन जागरण हो रहा है, वो सारे मुद्दे बामसेफ लिए हुए हैं। अभी मराठा आरक्षण का मामला आया, तो अभी 10 तारीख को कल ही जो है बहुत बड़ी रैली पुणे में की गई। फिर ईवीएम का मामला है, डीएनए का मामला है, जो बौद्ध विरासत है, बौद्ध विरासत को बचाने का मामला है, जितने ब्राह्मणों के जो बड़े बड़े जो अपने आप को हिंदू धर्म के मंदिर कहते हैं, वो सारे बौद्ध स्थल निकल रहे हैं, उसके सारे सबूत आ रहे हैं, पुरातत्व विभाग उसे बौद्ध का विहार कह रहा है। तो ये जो चल रहा है, तो इस चलने से जब उनके पास मंदिर नहीं रहेंगे, वो बौद्धों का विहार साबित हो जाएगा, तो फिर वो अपना आखिर ब्राह्मण धर्म का संचालन करेंगे कैसे। वो तो ये कहते लाखों साल पुराना हमारा धर्म है, हजारों साल पुराना है, मंदिर देखो हजारों साल पुराना, ये मूर्ति देखो, वो सारा का सारा बुद्ध गया, उनका एक भी नहीं है, और सारा सबूतों के साथ पता चल रहा है, तो उनके पास बचेगा क्या। ये उससे बड़ी बात है, आरक्षण से बहुत बड़ी बात है। इसको समझने के लिए मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम में, या बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी सम्राट अशोक को लेकर। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और कई जगह पढ़ा होगा कि सम्राट अशोक बहुत उदार मन के थे। तो सम्राट अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म राजधर्म स्वीकार किया, लेकिन अन्य जो पंथ के लोग थे, अन्य धर्म के जो लोग थे, वो अपने अपने घरों में उस धर्म का पालन कर सकते हैं, इसकी उन्होंने छूट दी थी। तो ब्राह्मणों को वहां से मौका मिल गया, और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ब्राह्मण समुदाय में उस ब्राह्मण धर्म का पालन करते रहते थे, उसके ऊपर कोई रोक नहीं थी सम्राट अशोक के समय। बौद्ध धर्म को
राजशाही का धर्म घोषित कर दिया, राजधर्म घोषित कर दिया, फिर भी ब्राह्मण धर्म के ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। ब्राह्मण ब्राह्मण आपस में कर सकते थे धर्म का पालन, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं कर सकते थे, केवल इतना था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात कही थी कि सम्राट अशोक ने उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई, उन्होंने इतनी उदारता क्यों दिखाई। तो ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जो ब्राह्मण धर्म है वो कितना महत्वपूर्ण है। वहां जब जीवित रहा उसी ब्राह्मण धर्म के बदौलत आने वाली पीढ़ियों में वो ट्रांसफर होता रहा और अनुकूल समय आने पर फिर पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति कर दी। वो प्रतिक्रांति हुई इसलिए कि ब्राह्मण धर्म जीवित था। तो अभी चारों तरफ से बामसेप ने जो ऑफशूट विंग्स बनाई और बामसेप के द्वारा जो विचारधारा का कंटिन्यू प्रचार किया जा रहा है, उसके वजह से आरएसएस का जो गढ़ है उसके अलग अलग पूरे तहस नहस हो रहे हैं गढ़। जो उन्होंने संगठन बनाए वहां से लोग छोड़ छोड़ के बामसेप में शामिल हो रहे या नहीं हो रहे तो न्यूट्रल हो रहे है। सच्चाई समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। जो आरएसएस में है उनको भी समझ में आ रहा है, एससी ओबीसी के जो लोग आरएसएस में है। तो वो पहले जो जितना मन लगाकर जिस जहन के साथ काम करते थे वो अभी करते हुए नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि आदमी जब मन मस्तिष्क से और पूरी तरह समर्पित होकर जब जुड़ेगा तब तो वो पूरा दिलो दिमाग से काम करेगा। लेकिन इधर बामसेप की विचारधारा है, अगर वावन मेश्राम जी का कोई वीडियो अगर उसने सुन लिया तो दिमाग में तो घूमेगा ना, और जब घूमेगा तो फिर वो आरएसएस के लिए पूरा समर्पित होके कैसे काम करेगा। तो इसलिए उनके जो गढ़ है ना वो कमजोर होते जा रहे हैं, और जब कमजोर होते जा रहे हैं तो उन्हें अपना बचाव तो करना पड़ेगा। तो बचाव करने के लिए पहली बार उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि 2% पे इनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है और फिर इनके बने हुए बांध जो है टूट जाते हैं, यही ब्राह्मण महासभा के लोग बोलते थे। इनके आरक्षण से डॉक्टर बन जाते हैं और पेट के अंदर रुई छोड़ देते हैं, कैची छोड़ देते हैं, ये सब बातें करने वाले लोग थे। आज बोल रहे हैं कि 200 साल अगर आरक्षण रहा तो कष्ट झेलने में क्या दिक्कत है। तो वो कोई उनके मतलब हृदय से नहीं बोल रहे हैं, कोई उनकी इच्छा है इसलिए नहीं बोल रहे है, बल्कि बामसेप ने जो चक्रव्यूह बनाया, जो वैचारिक चक्रव्यूह बनाया, जो संगठन की शक्ति का निर्माण किया, और अब ब्राह्मण धर्म के ऊपर खतरा निर्माण हो गया है। क्योंकि आज के समय में ग्लोबल दुनिया है, जिस क्षेत्र में आप रहते केवल वही तक जुड़े नहीं है, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो जो बात कह रहे हैं वावन मेश्राम जी या विलास खरात जो निकाल कर ला रहे है, अभी खंडोबा का मामला आएगा कि वो बुद्ध का था, काशी मथुरा के ऊपर 9 तारीख को भारत बंद हुआ, फिर उसके बाद में अयोध्या के समय भी मामला खड़ा हुआ, तो आपको क्या लग रहा, दुनिया वाले नहीं देख रहे क्या? बौद्ध राष्ट्र के लोग, बौद्ध देश के लोग ये सब देख नहीं रहे होंगे क्या? उनके जन सामान्य नहीं देख रहा होगा, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए जो नजर रखते है, तो जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए संगठन है उनको तो पता चल रहा है ना कि ये सब बौद्धों के है और ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये ब्राह्मण धर्म के लिए खतरा पैदा होते जा रहा है। तो धर्म अगर रहेगा, ब्राह्मण धर्म अगर रहेगा, तो मैंने जैसे सम्राट अशोक का एग्जाम्पल दिया, तो ब्राह्मण धर्म अगर रहेगा और बदले में आप ब्राह्मण धर्म छोड़ दो, ब्राह्मणों का ब्राह्मण धर्म उसको कुछ मत कहो, और बदले में आप सत्ता ले लो ब्राह्मणों को स्वीकार है, आप आरक्षण ले लो स्वीकार है, आप बंगले ले लो स्वीकार है, जमीन ले लो स्वीकार है, आप बिजनेस ले लो स्वीकार है, केवल ब्राह्मण धर्म को बचाए रखो। लेकिन अभी सारा ब्राह्मण धर्म के ऊपर ही सारा मैटर चल रहा है। तो ब्राह्मणों का यही है कि किसी ना किसी तरीके से ब्राह्मण धर्म बचा रहे, बदले में आपको सत्ता चाहिए ले लो, नौकरी चाहिए ले लो, बिजनेस ले लो, और क्या चाहिए बोलो। जैसी जैसी जागृति बढ़ेगी ना, बामसेप की ताकत बढ़ेगी, और क्या चाहिए ले लो। ब्राह्मण धर्म को लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए, कि ब्राह्मण धर्म रहेगा तो वो
आज नहीं कल 10 साल 20 साल 50 100 200 400 साल बाद फिर बाजी पलट सकते हैं। इसलिए वो इसमें लगे रहते हैं कि ब्राह्मण धर्म बचा रहना चाहिए, बदले में आप ले सकते हो। तो उसमें से एक बहुत ही छोटी सी चीज है आरक्षण, जो उसने बयान दिया कि आरक्षण अगर रहेगा तो क्या दिक्कत है। ये तो पहली बात, अब आरक्षण है ही नहीं, सारे इसका निजीकरण कर दिया, उसके बाद बोल रहा है कि आरक्षण ले लो। पहली बात मैंने बताई कि आरक्षण ले लो ऐसा उसने क्यों कहा, वो ये कहते भी नहीं, ऐसा नहीं कि निजीकरण हो गया ये हो गया इसलिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है। निजीकरण होने के बाद भी वो ये बात नहीं कहते अगर आपके अंदर जागृति नहीं होती या बामसेफ ने जागृति नहीं फैलाई होती। तो बामसेफ ने फैलाई, इसकी वजह से उनको ये कहना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि निजीकरण कर दिया, सारे इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई रिजर्वेशन रहा नहीं है। और जिन क्षेत्रों में यूपीएससी पीएससी वगैरह इन क्षेत्रों में है तो वहां पर ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा हो जाती है, हमारा इक्का दुक्का आदमी जाता है, वो समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि उनके ऊपर आरक्षण से बड़ा संकट है। तो बड़े संकट का बोझ थोड़ा हल्का करने के लिए वो आरक्षण के फेवर में बात किए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो इस बात को आप समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा।